It's time for the first one-day international match between India and England. सो वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक अपडेट देना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब IPL हुआ था तब सारे मैचेस हमने कवर किए थे, सारे मैच के प्रीव्यूज़ हमने किए थे। इस साल भी हम सारे मैचेस कवर करने वाले हैं। IPL शुरू होने से पहले एक सीरीज़ भी आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है हाउ टू विन अ फैंटेसी लीग। फैंटेसी लीग कैसे जीती जाती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ आप डिसाइड करोगे या फिर मैच कौन सी आप खेलोगे उस पर डिपेंड नहीं रहता, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है उस पर। वो सारी वीडियो की सीरीज़ हम आपके लिए लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद वहाँ पर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके मोबाइल पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। ओवरऑल जितने भी वनडे इंटरनेशनल मैचेस इस ग्राउंड पर हुए हैं उसके स्टैट्स हम पहले देखते हैं। 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस इस ग्राउंड पर हुए हैं, जिसमें से जिस टीम ने पहले बैटिंग की है 2 बार जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है। आपको एक अपडेट देना चाहूँगा मैं, दोनों बार जब इंडियन टीम यहाँ पर जीती है वो जीती है चेस करते वक्त, मतलब इंडियन टीम ने जो 2 मैचेस जीते हैं इस ग्राउंड पर वो चेस करते वक्त जीते हैं। अगर हम एवरेज इनिंग्स टोटल की बात करेंगे तो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल इस ग्राउंड पर है 291 रन्स और अराउंड 8 विकेट्स गिरती है फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकेंड इनिंग्स में आप देख सकते हैं अराउंड 265 रन्स एवरेज यहाँ पर बनते हैं। तो ये स्टैट्स देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और बैटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया विकेट है। अगर बॉलर्स की हम बात करेंगे तो अब तक 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस इस ग्राउंड पर हुए हैं, फास्ट बॉलर्स ने टोटल 42 विकेट्स यहाँ पर लिए हैं, फिंगर स्पिनर्स ने 15 विकेट और रिस्ट स्पिनर्स ने सिर्फ 5 विकेट लिए हैं यहाँ पर। इसका मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर खास तौर से फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर हम ओवरऑल पिच रिपोर्ट देखेंगे तो बैटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया विकेट है, एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल रहता है अराउंड 291 रन्स और एवरेज सेकेंड इनिंग्स टोटल अराउंड 265 रन्स यहाँ पर रहता है, और फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी बढ़िया मदद यहाँ पर मिलती है। वेदर रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, दिन भर अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर रह सकता है और रात के टाइम मैच ख़त्म होगा अराउंड 10:30 या फिर 9:30-10 बजे तक मैच ख़त्म हो जाएगा। तो सेकेंड इनिंग्स में जो भी टीम गेंदबाजी कर रही होगी ड्यू फैक्टर थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है, टॉस ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे, फिर भी ड्यू फैक्टर को कंसिडर करते हुए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। लेकिन पहले गेंदबाजी करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैच ही जीतेगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।